वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, सेकंड जेंटलमैन डगलस एम हॉक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माय फ्रेंड एंटनी ब्लिंकन, व्हाइट हाउस कैबिनेट सेक्रेटरी एवन रायन, सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों ने जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले तीन दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एकमत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। एक जीवंतता बनाए रखी थी, जो भी उपलब्ध माध्यम था उसका सर्वाधिक उपयोग भारत को, उनके अमेरिका के जीवन को निरंतर जोड़ने में लगा रहा था। हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी भारत हमेशा उनके करीबी था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती है। सेक्रेटरी ब्लिंकन, जब मैंने प्रारंभ में सुर और गीतमाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो मेरा एक इशारा आपकी तरफ भी था। पूरा विश्व आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को तो जानता ही है और मैं तो भली भांति जानने लगा हूं।
आपके म्यूजिकल टैलेंट के चर्चे भी बहुत हैं। हजारों मीलों का सफर तय करते हुए गंभीर से गंभीर मसलों के बीच संगीत को आपने जगह दी है। यह हम सभी के लिए बहुत प्रेरक है। हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, 2014 में मेरी यात्रा के समय मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति बाइडेन भी यहां स्टेट डिपार्टमेंट में मेरे साथ थे। उस समय उन्होंने भारत और अमेरिका की साझेदारी को अ प्रॉमिस ओवर द होराइजन बताया था। 9 वर्षों के इस अंतराल में हमने बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा की है। हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम जोड़े हैं। हम नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेड के लंबित और मुश्किल मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। क्वाड और I2U2 जैसे नए फ्रेमवर्क के साथ हम मिलकर के बहुत कुछ प्रगति कर रहे हैं। धरती हो या आकाश, समुद्र की गहराइयां हो या अंतरिक्ष की ऊंचाइयां, भारत अमेरिका एक साथ काम करते दिख रहे हैं। सही मायने में प्रॉमिस ओवर द होराइजन आज न तो प्रॉमिस तक सीमित है और न ही होराइजन तक सीमित है। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिन उपलब्धियों पर हम गर्व कर रहे हैं, आप सबके सपनों और अथक मेहनत का परिणाम है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रेज अ टॉस्ट your good health and well-being, to our friendship and to the peace and prosperity of all our citizens. Thank you. Thank you. Thank you.